हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के लेटेस्ट आए हुए अपडेट के बारे में, जिसमें आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। और फ्रेशर्स एलिजिबल है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया पे की जा रही है, अराउंड 30,000 आपकी इन हैंड इसमें सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा अदर बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें पीएफ, ईएसआई एंड अदर बेनिफिट है, आगे मैं आपको बताऊंगी भी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना है। इसमें आपको 100% रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला जो अपडेट है ना, पहले भी आया था। अगर 6 मंथ पहले की मैं बात करूँ तब आया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी और उनकी सिलेक्शन हुई थी। बस आपको ध्यान से ये समझना है कि अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को पूरा आपने ज़रूर देखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी लोकेशन वाइज हमारी ऑफिशियल साइट पर चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट www.glory.com लिंक दे दिया गया है, आप वेबसाइट देख भी पा रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या आपका इसमें वर्क एग्जैक्टली रहने वाला है। वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट लेकर आती ही रहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है एक अच्छी सी कंपनी में आपके एक अच्छी सी प्रोफाइल पर जॉब लग जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में, जिसमें आपकी ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। डायरेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई फी पे नहीं करनी है, ना ही इन वैकेंसीज के लिए कोई आपका एग्जाम होने वाला है। सैलरी भी बहुत बढ़िया आपकी रहने वाली है, बेनिफिट भी काफी सारे आपको इसमें मिल रहे हैं। एज अ फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। इसमें अगर वैकेंसीज की मैं बात करूँ, दो टाइप की वैकेंसीज है जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप दोनों वैकेंसीज के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे बेस्ट चीज़ लगी। फी कोई नहीं है, दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है, अप्लाई ज़रूर से कर देना। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी रिक्रूटमेंट का आपको मिलेगा, नया पेज ओपन होगा, लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, लिंक 1 लिंक 2। सपोज दैट आपने फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे लिंक 1 पे, वहाँ सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हुई है कि आपका वर्क रहने वाला है, कौन सी प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, क्या क्या सैलरी, क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। बस आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, आपको रजिस्टर करना, अपनी डिटेल्स फिल करके, अपना नेम, ईमेल आईडी, जो जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं एज इट इज़ फिल करके आप रजिस्टर हो जाओगे। फी कोई नहीं है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट हैं चाहे अनरिजर्व्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई आपको करना है। इसके अलावा जैसे आप रजिस्टर कर लोगे, सेकंड स्टेप आपका रहने वाला है लॉगिन का। अपना यूज़र नेम या अपनी ईमेल आईडी मेंशन कीजिए, उसके बाद पासवर्ड मेंशन करके आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाना है। देन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे आपका नेम मेंशन करेंगे अगेन, उसके बाद आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, फादर नेम क्या है, इसके अलावा आपका एड्रेस क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो एज इट इज़ मेंशन आपको कर देना है। एज ग्रुप कौन सी है आपकी, वो मेंशन कर देना। फ्रेशर्स है तो 0 पे क्लिक कर देना है, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस है वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए वैकेंसीज है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करके सिंपली सबमिट कर देना है। सक्सेसफुली आपका हो जाएगा इसमें अप्लाई। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। और ये जो अपडेट आया है ना, बहुत ही बढ़िया अपडेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 6 मंथ पहले ये वैकेंसीज आई थी, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जैसे मैंने बताया था वैसे ही इसके लिए अप्लाई किया था और सिलेक्शन हुई थी। अगर मैं यहाँ पे कंपनी की बात करूँ, इंडिया मार्ट के बारे में आप सारे अवेयर हैं, इनकी तरफ से अपडेट आया वर्क फ्रॉम होम आपकी प्योरली जॉब रहने वाली है। सैलरी की बात करूँ, 30,000 आपकी रहने वाली है एज अ फ्रेशर आपकी। इसके अलावा अदर बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं एज एन एम्प्लॉय, जो भी मार्ट की तरफ से आपको मिलेंगे वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जॉब वैकेंसीज की बात करें, मैंने आपको पहले बताया दो टाइप की है,
पहले जॉब की बात करिए, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन की वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसमें मैं अगर वर्क की बात करूँ तो जो कंपनी के आउटसोर्सिंग पार्टनर होते हैं ना, उनके साथ आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करना होगा। कंप्लीट ट्रेनिंग कंपनी आपको देती है, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा जो की मैट्रिक्स हैं उनको आपको फॉलो करते हुए कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है उसको आपको इवेल्युएट करना है। ये सिंपली आपका इसमें वर्क रहने वाला है। ये तो है पहली पोस्ट। इसमें आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब रहने वाली है दोनों के दोनों अपडेट के लिए, तो हर कोई आप में से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड जॉब की बात करें, सेकंड जो जॉब आई हुई है बायर सप्लायर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग एग्जीक्यूटिव की है, बहुत ही रिप्यूटेड वैकेंसी आई हुई है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सैलरी आपकी 30,000 प्लस अदर बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, इसकी भी कोई फी नहीं है, प्योरली ये भी आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें क्या क्या आपका इसमें वर्क रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, जो इनके बायर जो इंडिया मार्ट के बायर एंड सेलर होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स आती है उसको आपको हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है, क्या उनको क्या उनकी क्वेरी है, क्या कंप्लेंट आ रही है, बस उसको आपको रेजोल्यूशन देना है। इसके अलावा जो इंडिया मार्ट के बायर या फिर सेलर हैं उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको आपको वैलिडेट करना है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये बेसिकली आपका इसमें वर्क रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपको जो सेल्स या सर्विसिंग टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्किल्स की बात करें, आप मल्टीटास्किंग इसके लिए होने चाहिए और अदर टीम की आपको हेल्प करने के स्किल्स आप में होने चाहिए, मतलब आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, ये स्किल्स बेसिकली आप में होने चाहिए। और जो पहली जॉब मैंने आपको बताई है उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब नोटिफिकेशन ना बहुत सारे आने स्टार्ट हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब की अपडेट तो डे बाय डे आ ही रही हैं, बट आपको पता है डेली एक या दो वीडियो ही आ पाती है, तो नेक्स्ट वीडियो एक और अब मज़ेदार अपडेट आ रहा है, उसके लिए भी ज़रूर से रेडी रहना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।